तीनों जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके वो लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ उनके प्रतिनिधि के तौर पर हैं। ये चुनाव उनका है। तीनों जिला के जितने भी मुखिया हैं, वार्ड महोदय, पंचायत समिति, जिला परिषद, आज उनका नॉमिनेशन है, क्योंकि हम लोगों से पूछ करके इजाज़त लेकर के सबके बिहाफ में हमने नॉमिनेशन किया। लोकसभा न विधानसभा सबसे मजबूत हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेज हो चली है। कल जिस प्रकार नामांकन का दौर चला, आपने देखा सभी कैंडिडेट्स ने अपना अपना नॉमिनेशन किया और उसके बाद सभी ने अपनी अपनी बात ही रखी। गया से राजद के एमएलसी कैंडिडेट नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव भी चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में वो प्रतिनिधियों का पूरा पूरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि वो ये बात भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है और जो चुनाव लड़ रहा है वो मैं नहीं प्रतिनिधि है। सुन लीजिए, आज चर्चा आपकी कि रिंकू जी ने नॉमिनेशन किया है, ये नॉमिनेशन हम जरूर किए हैं, लेकिन ये पूरे तीनों जिला के जितने भी मुखिया हैं, वार्ड महोदय, पंचायत समिति, जिला परिषद, आज उनका नॉमिनेशन हुआ, क्योंकि हम लोगों से पूछ करके इजाज़त लेकर के सबके बिहाफ में हमने नॉमिनेशन किया। इस बार सबों को वो इच्छा जाहिर हुआ है कि अभी तक 20 वर्षों में जो एमएलसी, जो आज तक एमएलसी के बारे में कोई जाना नहीं, उसकी ताकत को किसी ने एहसास नहीं किया, उस एमएलसी आज तक किसी मुखिया और वार्ड सदस्य महोदय का आवाज़ नहीं बन सका, आज सब लोगों में वो लालसा था। आज आप देखे होंगे जो हमारे नॉमिनेशन में आए, वो उत्साह से आए थे कि इस बार एमएलसी हमको बन जा रहा है। ये कारण क्या था? तो 4 महीनों से लगातार लोगों को एक ही चीज़ कहा कि इस बार का एमएलसी आँख खोल करके वोट दीजिएगा, आप कैसा एमएलसी चाहते हैं, आपके लिए एमएलसी बने या खुद कोई अपने लिए बने, आप जो ताकत देते हैं उस ताकत का इस्तेमाल क्या अपनी समस्याओं के लिए होना चाहिए। ये तमाम जनप्रतिनिधि जो जीत के जाते हैं पंचायती राज में, इस ताकत का इस्तेमाल उनके अधिकारों के लिए होना चाहिए, उनके अधिकार की रक्षा के लिए होना चाहिए, उनके मान सम्मान के लिए होना चाहिए, उनकी समस्याओं के लिए होना चाहिए। तो इस ताकत को आज तक किसी ने महसूस नहीं किया, इसी ताकत को सबको बताने निकले थे कि आप, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है एमएलसी, बहुत बड़ी ताकत है एमएलसी, इस ताकत को आप इसी तरह से अपने वोट को जाया मत कीजिए, इतना बड़ा ताकत आपको मिला है इसको बर्बाद मत होने दीजिए, क्योंकि आज लोग उस ताकत को नहीं समझे तो परिणाम सामने है। कोई सर उनको मान सम्मान देने के लिए नहीं तैयार है, उनको पहचानने के लिए नहीं तैयार है, उनका जहाँ तक अभी वेतन की बात होती है, वेतन की भी चर्चा तक कोई नहीं करते हैं, उनके अधिकार जो दिनों दिन समाप्त हो रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करता है, कितना दुख की बात है। सर, आपका एक नारा है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा, इसका उद्देश्य क्या है सर और क्या लोगों को बताना चाहते हैं? इस बार हम लोगों को कहे कि इतना लोग के पास ऊर्जा है, इतना लोगों के पास इच्छा शक्ति है, हमने कहा इस ऊर्जा को हम लोग जिंदाबाद को नारे से बर्बाद नहीं करें, हम चाहते थे कि इस बार वो ऊर्जा हर घर तक पहुंचे, इस आवाज़ के साथ पहुंचे कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा, क्योंकि आज पंचायती राज व्यवस्था में जो सबसे मजबूत कड़ी होना चाहिए था, आज हमारा वो कड़ी सबसे कमजोर था, आज कोई उसको समझने के लिए तैयार नहीं, उसको सुनने के लिए नहीं तैयार, वो अपने मान सम्मान के लिए तरस रहा है, आज उसी को ताकतवर बनाने की जरूरत है। इसीलिए हमने ये नारा दिया कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। सर, आपके सामने एक महिला उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि वो तो पार्क है, ये चुनाव है, हम एक ही चीज़ जानते हैं, हम सबसे आग्रह करते हैं कि 20 वर्षों में ये जो चुनाव का जो जिस दिशा में चला गया है, ये मत समझिए कि एमएलसी किसी को हम बना देते हैं, ये जो 20 वर्षों में एमएलसी बनाए, इसका परिणाम क्या हुआ, आपकी पहचान खो गया, इसका परिणाम क्या हुआ, आपका सपना खो गया, हम इस पहचान और सपने के लिए लड़ रहे हैं, मेरे सामने कौन लड़ रहा है हमको नहीं पता, क्योंकि हम नहीं लड़ रहे। इस बार तीनों जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके वो लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ उनके प्रतिनिधि के तौर पर हैं, ये चुनाव उनका है और वो किससे लड़ रहे हैं ये उनको पता है।
वो किसके लिए लड़ रहे हैं उनको पता है, हमको नहीं पता है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हमको इतने जानते हैं हमको कि मैं उनकी आवाज बन कर करके एमएलसी के रूप में बनना चाहता हूँ, मैं उनकी ताकत बनना चाहता हूँ, मैं इसीलिए एमएलसी सब लोगों से अपील करते हैं कि इस बार समय आ गया है, समय बार बार नहीं आता है, अपने 5 वर्षों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए आने वाला 5 साल एक ऐसा एमएलसी चुने जो आपकी ताकत बने, आपकी आवाज बने। वैसे लोगों को एमएलसी बनाना है जो इतने ताकतवर जो हम लोग बनाते हैं, उस ताकत का इस्तेमाल उनके अधिकार की रक्षा के लिए होना चाहिए। इस बार उनकी उस ताकत का इस्तेमाल उनकी समस्याओं पे लड़ने के लिए होना चाहिए, और इस सारी समस्या जो हमने मुद्दा बनाया, उनका मान सम्मान पहचान, उनका वेतन का समस्या हो, उनके अधिकारों की समस्या हो, जो अफसरशाही बेलगाम हो गया है, ये समस्या है। मैं इन्हीं मुद्दों के साथ लोग के बीच में जा रहा हूँ। अगर मौका हमको जनता मैंने लोग देते हैं तो इस समस्या से लड़ने के लिए, इसको धारदार तरीके से हम लड़े, इसके लिए मैं सबसे पहले एक ही वादा किया है तीनों जिलों में जाकर, अगर मैं एमएलसी बना तो इस लड़ाई को इतना मजबूत तरीके से लड़ूंगा, खोई हुई विश्वास लोगों में जो विश्वास पैदा करने के लिए मैंने सबसे पहले एक वादा किया, एमएलसी के रूप में जो हमको वेतन मिलेगा उस वेतन को मैं सबसे पहले सरकार को वापस करूंगा और सरकार पे दबाव बनाऊंगा कि सारी समस्याओं पे ध्यान दें, नहीं तो मैं सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करूंगा। तो सुना आपने, नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव राजद के कैंडिडेट हैं, एमएलसी कैंडिडेट हैं, और ये जो है दावा कर रहे हैं, बड़ी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास कार्यों पर जितना काम करना होगा उतना मैं करूंगा, और ये लड़ाई जो है मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं बल्कि उन लोगों के सम्मान के लिए लड़ रहा हूं जिनकी लड़ाई किसी और से है, और उनकी लड़ाई किससे है वो जानते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि रिंकू यादव को कितना प्रतिनिधियों का साथ मिलता है, वोटर्स का कितना साथ मिलता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो हौसले बुलंद हैं और उत्साह से नजर आ रहे हैं। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। तीनों जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके वो लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ उनके प्रतिनिधि के तौर पर हैं, ये चुनाव उनका है। तीनों जिला के जितने भी मुखिया हैं, वार्ड महोदय, पंचायत समिति, जिला परिषद, आज उनका नॉमिनेशन है, क्योंकि हम लोगों से पूछ करके इजाजत लेकर के सबके बिहाफ में हमने नॉमिनेशन किया। लोकसभा ना विधानसभा सबसे मजबूत हो, तीनों जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके वो लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ उनके प्रतिनिधि के तौर पर हैं, ये चुनाव उनका है।